हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरी कालौनियाल अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ और मैं ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ 7:45 बजे से। और नहा धोकर मैं रेडी हो चुकी हूँ। बाकी मैं इस टाइम छत से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही क्योंकि मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और नाश्ता वगैरह अभी कुछ भी नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अद्विका और मिस्टर जी इस टाइम पर रेस्ट कर रहे हैं, सो ही रखे हैं अभी तक, तो मैंने अभी सो नहीं दिया है क्योंकि आज संडे है तो संडे के दिन थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए होना चाहिए। फिलहाल मैं आप लोगों को पहाड़ों का खूबसूरत सा नज़ारा दिखा देती हूँ। और आज धूप पूरे घर तक आ चुकी है, आज पहाड़ों से नीचे उतर चुकी है धूप। चलती हूँ मैं नीचे और फटाफट से पहले तो मैं पूजा करूँगी और उसके बाद घर का सभी काम निपटाती हूँ। तब तक शायद मिस्टर जी और भी उठ जाएंगे, तो चलती हूँ मैं नीचे की ओर। जैसे मैं अंदर आई हूँ, मुँह धुला मैंने, नहाती हूँ मैं, मुँह तभी धुलती हूँ। और वैसे ये दोनों कुंभकर्ण उठ चुके हैं। मैं आप गुड मॉर्निंग, ये दो कुंभकर्ण यहाँ पे सो रखे, ये देखो, और उठे और सीधा फोन। और यहाँ से मैंने अपना वाला बिस्तर उठा के ऊपर रख दिया है। बस से बाल बाल बनाती हूँ और तैयार होती हूँ फटाफट से। तैयार यानी कि मुंह का जो भी है, बिंदी, मांग, सिंदूर, जो भी है, फटाफट से पूजा करने के लिए जाती हूँ क्योंकि नाश्ता मिस्टर जी बनाएंगे। दोस्तों, मैंने टी शर्ट बदल दी है क्योंकि उसमें मेहंदी का दाग निकाल नहीं रहा है। और मैं आ चुकी हूँ मंदिर घर पे। मैं यहाँ पे करवा रही हूँ कान्हा जी का स्नान। जैसे हमें भी गर्मी लगती है, वैसे भगवान जी को भी लगती होगी। तो मैं ला गई हूँ तांबे के बर्तन में पानी और ईश्वरी बारात में स्नान कराऊंगी कान्हा जी के। और तो मैं यहाँ पे साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी पूजा। दोस्तों, पूजा वगैरह मैंने कर दी है और मंदिर भी साफ कर दिया। मिस्टर जी मेरी चाय ला चुके हैं यहाँ पे, और चाय है काली चाय क्योंकि दूध नहीं है, क्योंकि दूध यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा। और कल से अभी कभी ऐसी है दूध के बिना, मेरे बाबू कल से उसने दूध नहीं पिया है क्योंकि जो था वो फट गया था। और यहाँ पे मिस्टर जी वो भी बिस्किट और चाय पी रहे हैं। दोस्तों, इस टाइम पर मैं रोहन पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे हमारे भाई जी का होटल है तो वहाँ पे आ रखी हूँ। क्यों आ रखी हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमने उनके लिए गेहूँ के लिए बो रखा था कि हमारे गेहूँ करना, और गेहूँ के रेट तो बहुत ही ज़्यादा महंगे, क्या ही बताएं, क्या ही खाना। तो बाहर का काम भी निपटा कर मैं घर आ चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मिस्टर जी नूडल बना रहे हैं, तो वो नाश्ता बनाएंगे। नहाकर रेडी हो चुके हैं मिस्टर जी और हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पे धारा पानी लेने के लिए। दीदी और पीछे से आ रहे हैं, यहाँ से आ रही है बिसा, और चलते हैं अब हम पानी लेने के लिए। और फटाफट से पहले धारा से पानी ला देती हूँ, उसके बाद होगा घर का सभी काम। और मैं बाहर नहर में पानी आ रहा था तो मैंने पूरे खेतों में पानी भी डाला है अपने क्यारी में, और बाकी वहाँ पे साफ भी कर दिया है। और मैं आ गई हूँ अंदर। मिस्टर जी ने नूडल बना रखा है, स्वाद में तो बहुत टेस्टी हो रहा है, लेकिन ये ना थोड़ा सा टूट टूट सा गया है। और अपने लिए मिस्टर जी बना रहे हैं, मुझे बोला कि अंदर जाओ, और मेल ले रखा हुआ था तो मैं उसको खा लेती हूँ। है तो ऐसा टूटा टूटा सा, लेकिन काफ़ी टेस्टी हो रहा है। और मुझे पसीना भी आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी हाँ, तो मिस्टर जी कह रहे हैं कि किचवाणी हो गया है। तो थैंक यू मिस्टर जी, आपने ऐसा सुंदर सा किचवाणी बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखने का किचवाणी, लेकिन स्वाद अच्छा हो रहा है। अब मुझे मिस्टर जी खिला रहे हैं, थैंक यू। अपनी वाली तो बहुत स्वाद बनाया आपने। तो दोस्तों, मिस्टर जी वाली ज़्यादा टेस्टी हो रही है, तो अब हम दोनों का क्या डिसीजन हुआ? हम दोनों ने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा इसमें से, थोड़ा सा इसमें से खाते हैं। अब हम दोनों ऐसे खाएंगे, थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि हम लोग कैसे खा रहे हैं। मुझे मिस्टर जी हमेशा खिलाते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं खिलाती मिस्टर जी को। हम लोग खा रहे हैं, वाह, इतना टेस्टी किचवाणी बनाया मिस्टर जी ने।
पानी ज्यादा गर्म हो गया। तो अद्विका काफी दिनों से परेशान थी, बहुत ज्यादा रो भी रही थी, तो हमने उसके लिए एक उसके लिए सरप्राइज दिया है, जिससे कि अद्विका काफी खुश हो गई है। और आज संडे है, तो संडे हर संडे को हम यही काम उससे करवाएंगे ताकि बच्चा थोड़ा उसका मूड फ्रेश रहे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अद्विका के लिए क्या स्पेशल किया है आज। दोस्तों अद्विका का बाथ टब, जिसमें कि अद्विका काफी खुश हो गई है। अदु कैसा लगा आपको? अदु इधर देख के बोलो कैसा लगा। तो दोस्तों अद्विका के साथ थोड़ी देर मस्ती भी हो चुकी है, इसी के साथ अब मैंने फाड़ू भी पीस लिया है और मैं बना रही हूँ आज गौत का फाड़ू और भात। और टाइम भी हो चुका है 1:15, तो फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ, पकाते फटाफट से खाना। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं पटूंगी, दिखाओ मेरी पटूंगी दा। तो दोस्तों खाना बनकर रेडी हो चुका है और मिस्टर जी पहला निवाला खा भी रहे हैं। तो कैसा हो रहा फाणू? नमक हो गया ना तेज? नहीं, खुद के लिए मैंने कढ़ाई में निकाला है और थोड़ा सा मैंने लहसुन का अचार भी निकाला है, क्योंकि हमारे घर में लहसुन नहीं है तो मैंने फाणू में लहसुन नहीं डाल रखा है और गैस भी बन जाती है, इस वजह से थोड़ा सा मैंने वो भी निकाल रखा है। और दोस्तों आप लोग बोलोगे कि मैंने कढ़ाई में खाई है, लेकिन मैं कढ़ाई में वैसे नहीं खाती हूँ। फाणू अजोली जब बनती है तो मुझे कढ़ाई में खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये इधर उधर जो वॉर पॉर लग रखी है, ये मलाई, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इस वजह से। तो दोस्तों तो अब हम लोग खाना खाते हैं, मिलती हूँ आप लोगों को शाम को, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट भी करना होता है। रात मुझे थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं बाहर आ चुकी थी और काफ़ी मौसम बदल चुका है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और बारिश में मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पे उर्मिला दीदी भी आ चुकी है काफ़ी टाइम पहले, और हम लोगों की गपशप चल रही है। मैंने कहा मैं तब तक चाय भी बना लेती हूँ। और यहाँ पे बैठ रखी हैं उर्मिला दीदी। इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और शाम को उतना ही ठंडा, तो इस टाइम मैंने हाफ टी शर्ट पहन रखी है, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। मैंने कहा इन्हें मस्त चाय बना दी आजकल दीदी, आजकल दीदी औरों के भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है, तो इसलिए उनको दूध वाली चाय अच्छी लग रही है। यहाँ पे अद्विका भी बैठ रखी है, बाकी सभी लोग हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग को, मिस्टर जी वहाँ पे बैठ रखे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं गर्मा गर्म चाय का आनंद लेती हूँ। चलिए दोस्तों खाना बनकर रेडी हो चुका है, मैंने जिसमें कि बीन्स की सब्जी और रोटी बना रखी है, और दिन का फाड़ू भी बच रखा है। साथ में यहाँ पे अद्विका को मिस्टर जी खाना खिला रहे हैं। और मेरे लिए काम कभी ख़त्म नहीं होते, अभी मेरे पीछे इतने सारे कपड़े हैं जिनको कि मुझे तय लगाने हैं। तो जब तक मिस्टर जी अद्विका को खाना खिलाते हैं, तब तक मैं फटाफट से इन कपड़ों की तय भी लगा लेती हूँ। और तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक और बात आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ और बना भी पाऊँगी। तो इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं वीडियो कंटिन्यू बनाऊँगी, नहीं तो मेरा मनोबल भी कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी मेरा मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये बात मेरी इस बात को समझे। और तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलती है ऐसी नई वीडियोस के साथ, नए दिन नई सुबह की शुरुआत से। जय देव भूमि उत्तराखंड, टाटा बाय, शुभ रात्रि, मिलती हूँ कल सुबह।